अब बात करते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड के, एकदम ध्यान से देखना एक एक पॉइंट। एम्बिडेंटेड लिगेंड में क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हूं मैं एम्बिडेंटेड लिगेंड, कई बार बोर्ड में आ चुका है एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है। देखो यहाँ लिखा है विच कैन लिगेट, लिगेट मतलब होता है जोड़ना, विच कैन लिगेट थ्रू टू डिफरेंट एटम। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि मान लो अगर कोई सेंट्रल एटम एम है, कौन सेंट्रल एटम एम, कुछ भी जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ सेंट्रल एटम एम है और इसके साथ मान लो आके सीएन जुड़ गया, सीएन मतलब साइनाइड, बट इस सीएन में जो कार्बन एटम है वो अटैचमेंट है सेंट्रल एटम से, कार्बन। अगर मैं ये कहूं क्या सेंट्रल एटम से नाइट्रोजन जुड़ सकता है, हाँ बिल्कुल परफेक्ट। अगर इस सेंट्रल एटम से तुम्हारा सीएन में कार्बन जुड़ा है इससे, तो इस पूरे को बोलते हैं साइनाइड, सीएन मतलब होता है साइनाइड, तो इसी साइनाइड का सी जुड़ा है ठीक। लेकिन इसी साइनाइड को उल्टा कर दिया मैंने, NC आइसोसाइनाइड, तो इसका N एटम जुड़ गया, मतलब CN का C एटम जुड़ा और इसी CN को NC करके N एटम जोड़ दिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एटम जोड़ दिया मैंने उसी कंपाउंड के चेंज करके सेंट्रल एटम से, तो इस पूरे को बोलते हैं अपन एम्बिडेंटेड लिगेंड। मतलब ये जो लिगेंड है दिखाई दे रहा है एम्बिडेंटेड का काम कर रहा है। जैसे NO2- इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, NO2 और एक ONO। तो जब सेंट्रल एटम से N जुड़ेगा तो इसी कंपाउंड से आया ना भैया, तो इसका N जुड़ रहा है सेंट्रल एटम से और इसी कंपाउंड से भी आया है, लेकिन अब यहां O जुड़ रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट एटम अटैच हो रहे हैं इस NO2 का। एक बार NO2 का N जुड़ रहा है सेंट्रल एटम से, एक बार NO2 का O जुड़ रहा है सेंट्रल एटम से, इसीलिए NO2 को हम बोलेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड। देखो लिखा हूं विच कैन लिगेट थ्रू टू डिफरेंट एटम, मान लो ओसीएन की बात करो ठीक। अब इसमें तुम्हारा एक बार सेंट्रल एटम से O जुड़ रहा है, एक बार सेंट्रल एटम से N जुड़ रहा है। अगर मैं SCN की बात करूं थायोसाइनाइड, तो एक बार सेंट्रल एटम से S जुड़ रहा है, एक बार सेंट्रल एटम से N जुड़ रहा है। तो जब ऐसे कंडीशन कहीं भी क्रिएट होती है तो उसे बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे, फिर नेक्स्ट बात करेंगे।